हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम जा रहे हैं वकास के सिस्टर की तरफ, छोटी सिस्टर की तरफ जो कि काफी दूर है, और हम ऑलरेडी लेट हैं, 7 बज गए हैं घर में। आज का व्लॉग हम सब के लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि आयश ने चलना सीखा है। अब वो चलने लग गई है, माशाल्लाह दौड़ती है, तो हम उसको गिफ्ट देने जा रहे हैं। उसकी जरा हौसला अफजाई करने जा रहे हैं कि आगे भागती रहो, मजीद भागती रहो। और ये है वकास, अच्छे लग रहे हैं ना? राज मेरा इसके पीछे के अच्छा क्यों लग रहे हैं, बहुत मेहनत करती हूँ। नहा के कपड़े चेंज किए, कौन सी मेहनत? हाँ, कपड़े प्रेस करने की बहुत मेहनत है, जूते साफ करने की भी मेहनत है। ये आसान है आपका खाना खाने के बाद। खाना तो मेरे हाथ के खाना, तो चलें फिर। अब मेरा मेकअप पिघल जाएगा तो तब चलेंगे। क्या कर रहे ऑलरेडी लेट है? मुझे कह रहे थे कि तुम तैयार नहीं टाइम पे होती, मैं तुम्हारे बाद नहाने गया हूँ, मैं तैयार भी हो गया खुद बैठ कर, मैं फूड रेडी, और मैं जा रहा हूँ, जा रहा है। आप बताएं मेरी लुक कैसी लग रही? चूड़ियां तो मैंने पहनी है पर बदतमीज नजर ही नहीं आती, बार बार ऐसे करती हूँ साड़ी अंदर चली जाती है। चलो वहां पे चल के मिलते हैं, या निकलते निकलते कैसे मैं उनको निकालती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। अब तक उठे ही नहीं रहे। अपना हजाब मैंने टीवी में देखते हुए किया क्योंकि अंदर इतना चल के मुझसे नहीं था जाएगा ना, मैंने कहा खड़े खड़े सही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको नजर आ रही हूँ, चल नहीं यार उठते हैं। अब कितना रह गया है? हो गया, चलो उठे, पीछे आपके कागज पड़े हैं वो भी पकड़े। चाबी वगैरह कितनी? चाबियां ये रही वकास के एसेंशियल्स। एक तो ये तो घर की चीज है, ये तो एसेंशियल है, और ये कैप। इसके बगैर भी वकास घर से बाहर नहीं निकलते। आज सुबह हुआ था, चले गए थे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला तो जी मेरी कैप लेके आना। इसके बगैर भी घर से बाहर नहीं निकलते। कैप के बिना नहीं जाना, इनके बाल बहुत सेंसिटिव। मैं कहते लड़कियों के बाल क्या सेंसिटिव होंगे जिनके इतने हैं, जितने इनके हैं। सॉरी मेरी जुबान नहीं खराब। चलो लाइट्स ऑफ करो, एक तो ऑन रहेगी ना। चलो चलो चले। सो वी आर सेट टू गो, आ जा आ जा। लॉक करें सारा कुछ। हमारा मल ही नहीं था, और हमारे फिर से पौधों का हाल आप देख सकते हैं। कौन है? कौन आ गया? आना मैं बोल नहीं रही। हेलो जी, जाओ नहीं चलो। तो ये किसका? वेलकम बैक टू कपलिशियस ब्लॉग्स विद अनदर एपिसोड। सो इस मैच को देखने के लिए हमने किया क्या है? कुछ खास नहीं किया। एलसीडी तो वही है जिसमें हमने मैच देखने और जो पीछे है, सिर्फ मैं ये शॉपिंग करके लाया हूँ, थोड़ी सी जैनब की पसंद की चीजें और कुछ अपने खाने की चीजें, क्योंकि मेरी आदत है मैं जब कोई मैच वगैरह देख रहा हूँ तो मैं बड़ा डिमांडिंग हो जाता हूँ, और जैनब उस टाइम कुकिंग करने लग जाती है, फिर मैच का मजा नहीं आता अकेले बैठ के देखने से। हमने तो कमेंट्रियां करनी होती है ना।
हाँ, और उस पे बड़े बड़े तबसरे करने होते हैं, तो फिर उस चीज का मजा किरकिरा हो जाता है। सो यही सोचा गया कि बाहर से चीजें लाई जाए, मैं नहीं सोचा, इसने नहीं सोचा तो वो मैं चीजें ले आया, और मैंने कुछ आगे चीजें छुपा भी दी हैं जो अभी तक जैनब को नहीं पता मैं क्या ले गया तो मैं नहीं बताया मैंने तुम किचन में गई थी तो मैंने छुपा दी है, वो मैं आज के दौरान ही बताऊंगा। सो इससे अगली बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अल्लाह करे कि आज पाकिस्तान जीत जाए। नहीं तो निकल जाएगा। नहीं नहीं अभी नहीं। दो तीन मैच और हैं दोनों टीमों के, शायद आउट नहीं होगा, कल तक पूरी बात का नहीं पता था, लेकिन अभी पाकिस्तान के दो मैच और हैं इसके अलावा। सो आज एक नई चीज, काफी दिन से मेरी बेगम कह रही है मैंने टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है, काफी दिन से मेरी बेगम कह रही है कि छत पे जाके थोड़ी देर टाइम गुजार के आए, ठीक है ना, यही कह रही थी तो अभी मैंने सोचा काफी काइट्स उड़ रही हैं, सो एक बचपन का मजा ताजा करते हैं, काइट्स को भी देखते हैं, और आ भी हमारे घर वाली साइड पे रही थी कट गई सो मैं और जैनब अब जाते हैं काइट्स को देखने के लिए, और उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। छत पे पहुंच गए थे, छत से भी ऊपर वाली छत पे जा रहे हैं, मौसम अच्छा हुआ हुआ। वो आगे, मैं भी आगे जाती हूँ, वो आगे चले गए। ये देखें हेलो, कहाँ पे है कार्ड्स? ये वो जो पीछे बाकी ना टाउन से बाहर, वहाँ से काफी काटती आई हैं कार्ड्स, जब मैं मार्केट से वापस आया तो बड़े बच्चे भी फिलहाल एक ही देखो नजर आ रहा है, एक वो ऊपर, कहाँ वो ऊपर, ऊपर वाली कार, वो गाइड है ये, नौ करोड़ ही कार्ड, एक वो भी वो नजर है वो, हाँ वो आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो देखो कट के आ रही है बड़ी दूर से, वो देखो ऊपर हवा में, ये ब्लैक डॉट्स है, वो ये आ रही है ना, हाँ ये वाला, वो मुझे काइट नहीं लगी, वो काइट है, तार पर ऐसा लगता है, ये उड़ रही है तार से काफी पीछे, जाने को देखो वो रेड वाली एक कट के आ रही है, हाँ। और दूसरी उसके नीचे एक और काइट है, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, यार इतनी दूर दूर ऊंची कैसे नजर आती है, इसने मगर भी जांच करके पहले लैंड करना है, इसलिए स्पीड ऑफ स्पीड आ रहा है, हां जी बड़ा मजा आता है इसे देखने का, चलो आने का इतना मजा नहीं आता, बचपन में बड़ी चढ़ाई है, देखने का मजा, देखना भी, देखो हमारे घर वाली साइड ऊपर आसमान, मुझे नहीं लग रहा, थक गई हूं, आ रहे दो आ रहे, नहीं तो फिर मैं कंप्यूटर पे कर, भूख लग गई, देना तीन आ रहे हैं, इनकी गुड़ियां ही नहीं खत्म हो रही, सॉरी का इनकी तो कार्ड्स ही नहीं खत्म हो रही, नहीं एक परिंदा है दो कार्ड्स, चलो एक परिंदा हो गया दो कार्ड्स हो गए, तो पहले थ्री कार्ड्स थी, एक काइट वो दो वो जो आ रही है दो ही हैं, देखो फोर हो गई है, वो जो बड़ी स्पीड से जा रहा था ना वो आगे चला गया, मुझे भूख लगी है, चलो चले, इतनी चीजें नीचे ला कर नहीं है तो खा लेना, उन्हीं की दबू कह रहे थे संडे सिर्फ एक दफा आता है, और मैंने कहा और मेरा संडे तो खत्म ही नहीं होता, पता नहीं क्यों मेरा संडे लटक ही जाता है, वो दिन खत्म ही नहीं होता, क्योंकि ये जनाब जल्दी उठा देते संडे वाले दिन, खुद 9:30 बजे उठ जाते हैं और 10 बजे तक मुझे उठा देते हैं कि अब मुझे भूख लग गई, मुझे नाश्ता बना के दो, मैं क्यों गया इशारे कर रहे थे, कहते गाइड पकड़ लो, वाह अच्छा, तो मैं कह रही थी कि मेरा संडे खत्म नहीं होता क्योंकि जल्दी उठ जाती हूँ और काम कोई इतने होते नहीं, बस नॉर्मल रूटीन के फारिग करके मैं फारिग हो जाती हूँ, वो करके मैं फारिग हो जाती हूँ, और मेरा संडे का दिन इतना लंबा हो जाता है, और आज मैं दोपहर में सो के भी उठ गई, लेकिन मेरा दिन ही नहीं था खत्म हुआ,
और ये जनाब कहते मैंने आया ही नहीं करना, मैंने लेट ही आया करना, तो संडे को भी घर नहीं हुआ करना। ये अजीब बात है, मैं तो जल्दी उठने की वजह से मेरा संडे लटक जाता है। हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हल्की खुशबू आ रही है मुझे सर्दियों में। इनका तो बड़े दिनों से खुशबू आ रही है हवाओं में, वो बोली महक आती है। इधर देखो हल्का सा, इधर देखें, हाय हाय, ये फिर थोड़ा सा इधर देखें, थोड़ा सा ये आहा, तस्वीरें ली जा रही हैं। क्या है मगरिब का टाइम, अब हम जाएंगे नीचे नमाज पढ़ेंगे, अपने अल्लाह को याद करेंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर इनका मैच लग जाना, मैच लेके बैठ जाना, तो फिर देखते हैं। आज मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं मैच को रिकॉर्ड करूं, पिछले मैच ने हमें बहुत शर्मिंदा कराया, हम हार गए थे। इस दफा चलो एंड बस शेयर करूंगी आपके साथ, उससे ज्यादा मैं शायद ना शेयर करूं। हम जीत गए चार गोलों पे से, दो रह जाएंगे, तो हॉस्पिटल लेके हम जीत जाएंगे। फाइनली लास्ट मैच में जाते हैं, मैच में जीत गए हैं, तो ये लग रहा है वो बंदा आज पहले मैच रहा था। आप ऐसे सोचो हो घूमे इस दफा मैच खड़ा करके ही रिजवान गया है, अभी आधी बोल बाकी थी और आधा आधा फर्क था, बहुत फर्क था मैच में, 100 का फर्क था, 100 का। हाँ और हमने काट लिया। चलो एक मैच हारे दूसरा जीत गए, क्या बराबर हो गया। चलो इस बार पाकिस्तान क्वालिफाई करके हम जीत आगे बढ़ जाएगा, सोची पार्क इंडिया के सारे। हेलो कंग्रेचुलेशन, फाइनली जीत गए हैं, थैंक यू। चलो इसी बात मुंह मीठा करा, बदले का बदला हो गया। हाँ पूरा हो गया, फाइनली पाकिस्तान गेन, बाय बाय। क्या तुम खिलाओ? अभी अभी तो चाय पी है, अब किस चीज से मुंह मीठा है? मीठी चीज से चाय तो गर्म होती है। अब जूस पिलाओ। जितनी शिद्दत से आपने इस मैच को देखा है कि जीत है उतनी शिद्दत से मुंह मीठा करा तो वो क्या मिसाल है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर की शक्कर डालो नहीं नहीं रहना मुझे पता पड़ा हुआ आपने वही मुंह में डाल रहा है। चलो ठीक है बापू दी, खुशी से इस ब्लॉग का एंड कर दो। मैं करो ये काम तुम्हारे हैं, नहीं आप करो। सो पाकिस्तान मैच जीत गया, तो अब हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।